वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रिक्शन का। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर फ्रिक्शन कॉम्बिनेशन के साथ आ जाता है। कभी कभी मे बी पॉसिबिलिटी है कि वर्क पावर एनर्जी के अंदर जो वर्क के हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उस वर्क के न्यूमेरिकल के साथ में भी फ्रिक्शन की कंसेप्ट आने वाली है। इसका मतलब फ्रिक्शन ये एक टॉपिक भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे एक बड़ा सा बीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन कॉम्बिनेशन के साथ में आ जाएगा। किसके किसके कॉम्बिनेशन के साथ में आएगा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ में एंड वर्क के साथ में आ सकता है। मैक्सिमम चांसेस है कि फ्रिक्शन का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इंडिविजुअल क्वेश्चन अगर फ्रिक्शन का आ भी गया तो भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कुछ कांसेप्ट उसके अंदर यूज होने वाले हैं। तो आज का जो यूनिट है वो यूनिट है फ्रिक्शन का। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का न्यू यूनिट जिसका नाम है फ्रिक्शन। व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इट इज अ फोर्स विच अपोजेस टू द मोशन ऑफ अ बॉडी और मोशन ऑफ द ब्लॉक। अगर हम किसी बॉडी को या फिर किसी ब्लॉक के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर एक्ट करते हैं, अगर ब्लॉक को मूव करने के लिए, तो ब्लॉक एंड सरफेस दोनों के बीच में का जो कॉमन सरफेस रहता है, जो कॉमन एरिया है, उस कॉमन एरिया पे एक फोर्स एक्ट होता है जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है। दिस अपोजिंग फोर्स इज नथिंग बट द फ्रिक्शन। वैसे भी हम फ्रिक्शन डिटेल में देखने ही वाले हैं, क्योंकि इस पूरे लेक्चर के अंदर हम पूरा फ्रिक्शन कवर करने वाले हैं, पूरे फ्रिक्शन के कंसेप्ट हम कवर करने वाले हैं। लेकिन एक ओवरव्यू भी देख लेते हैं कि ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। अगर हम फ्रिक्शन को क्लासिफाई करते हैं तो फ्रिक्शन के टोटल दो टाइप आते हैं। पहला जो टाइप है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट टाइप इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का जो मीनिंग है वो है रेस्ट। और दूसरा जो टाइप है वो है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक का मतलब है मोशन। हमने इससे पहले रेस्ट और मोशन दोनों की डेफिनेशन देख ली है, वापस एक बार जस्ट सेकंड में बता देता हूं। व्हाट इज मीन बाय रेस्ट? इफ द बॉडी डज नॉट चेंजेस देयर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर किसी बॉडी की पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम अगर चेंज नहीं हो रही है तो उस बॉडी को हम रेस्ट में है ये कंसिडर करते हैं। रेफरेंस फ्रेम किसे कहते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू हम जिसे कंसिडर करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू जिस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं उसे हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। और वैसे भी हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में रेफरेंस फ्रेम एंड टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम ये डिटेल में हमने पूरा एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर, और ये पूरा वीडियो आपने देखा होगा, इससे पहले आपको हो चुका है। तो मोशन है, मोशन का जी डेफिनेशन है, तो मोशन की डेफिनेशन है इफ द बॉडी चेंजेस देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम देन द बॉडी इज अ सेड टू बी इन मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में है और अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स अगर एक्सपीरियंस कर रही है तो उसे हम डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं, और अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है और वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है तो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ द डायनामिक फ्रिक्शन कैन बी अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। वन इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड अनदर इज अ रोलिंग फ्रिक्शन। एक टाइप कौन सा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, और दूसरा टाइप कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन का। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारे पॉइंट्स एक बार चेकआउट कर लेते हैं, इनकी कंडीशंस, इनके फॉर्मूला, इनके एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज, ये सारे पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट फ्रिक्शन के डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। द व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किसे कहते हैं? द फोर्स विच अपोजेस टू द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन रफ सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। उसे हम सिंपली फ्रिक्शन कहते हैं या फिर फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन किसकी वजह से ऑकर होता है? मान लो कि मेरा हाथ मतलब एक रफ सरफेस है और उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया है। ये जो हाथ है मेरा, हैंड है, इसका जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस के ऊपर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स और इस बॉडी की जो लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन का जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में इंटरलॉक होते हैं। इंटरलॉक होते हैं मतलब वो पार्टिकल एक दूसरे को अपोज करते हैं, और अगर अपोजिंग फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स अगर मैक्सिमम है तो ही बॉडी क्या हो जाएगी? मूव हो जाएगी एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव हो सकती है, लेकिन इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो रहा है यहां पे, मोशन के अपोजिट में एक फोर्स जनरेट हो रहा है। दिस अपोजिंग फोर्स इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा सरफेस के ऊपर एक्ट होने वाला है। सरफेस के ऊपर मतलब कौन से सरफेस के ऊपर, जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस और बॉडी दोनों का जो कॉन्टैक्टिंग एरिया रहेगा, उस कॉन्टैक्टिंग एरिया में ही फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होने वाला है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की हमने डेफिनेशन देख ली, द फोर्स विच अपोजेस टू द मोशन ऑफ बॉडी। यहां पर अगर हम ये कह रहे हैं द फोर्स विच अपोजेस, किसे अपोज कर रहा है, मोशन को, इसका मतलब है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय फ्रिक्शनल फोर्स का जो डायरेक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ब्लॉक के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। Now it is denoted by, frictional force can be denoted by capital F, या तो आप capital F से indicate कर सकते हो, या फिर किस book के अंदर इसे capital F suffix small f से भी indicate किया है। This is called a frictional force. Its unit is Newton. Newton इसे हम SI system में हम Newton कहते हैं, और CGS system के अंदर इसे हम Dyne कहते हैं। है तो ये force ही, तो force है तो force का जो unit है, वो unit भी कैसे रहने वाला है, same रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज, सपोज आपके पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अच्छा, यहां पे सरफेस की कंसेप्ट अगर आई है तो बता देता हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर और फ्रिक्शन के अंदर दो टाइप के सरफेस आने वाले हैं, और दो टाइप के सरफेस के ऊपर न्यूमेरिकल आने वाले हैं। अगर इन केस क्वेश्चन के अंदर अगर मेंशन है कि सरफेस इज अ स्मूथ सरफेस, सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है या फिर पॉलिश सरफेस है, कैसा है, स्मूथ सरफेस है या फिर पॉलिश अगर सरफेस है, तो इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू जीरो, म्यू जीरो है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एफ जीरो है। मैक्सिमम टाइम एक्सप्लेनेशन में हम ये बोलते हैं कि अगर सरफेस स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, जीरो। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली जीरो नहीं है, वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू जीरो है, और म्यू की वैल्यू जीरो है इसीलिए कैपिटल एफ का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन भी जीरो है। हम कैपिटल एफ का फॉर्मूला भी देख लेंगे कि फॉर्मूला क्या है और किसकी वजह से कैपिटल एफ की वैल्यू जीरो हो रही है। तो यहां पर अगर स्मूथ सरफेस है तो म्यू इक्वल टू जीरो, और अगर क्वेश्चन में रफ सरफेस मेंशन है तो रफ सरफेस के साथ साथ म्यू की वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर टू फाइंड में आ जाएगी। नाउ हमने यहां पे एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस कंसीडर किया है। इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्लेस कर दिया है। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो वेट है वो वेट एक्ट हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन चली जाएगी वर्टिकली अपवर्ड में। अब ये सारी कंसेप्ट हमारे इससे पहले जो भी 20-25 वीडियो हो चुके हैं उसके अंदर ये सारी कंसेप्ट हमारे आ चुके हैं। टोटल कोई भी बॉडी का, किसी भी बॉडी का वेट जो होता है वो वेट सेंटर पे एक्ट होता है और सेंटर से सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। सरफेस इसे वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट करके रख रहा है तो इसे कहते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका एंगल सरफेस के साथ 90 डिग्री होता है। Now, इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे अगर हम एक एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल P इतना अगर हम एक्ट कर देते हैं तो ब्लॉक का मोशन हो जाएगा राइट साइड में। ब्लॉक का मोशन कहां जा रहा है, राइट साइड में। जैसे कि मैंने कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स कहां एक्ट होने वाला है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है यहां पे सरफेस पे, मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक एंड रफ सरफेस दोनों का जो ये कॉमन पोर्शन है, इस कॉमन पोर्शन के ऊपर एक फोर्स जनरेट होगा जो यहां पे आपको रेड लाइन से दिखाई दे रहा है। एक रफ सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट होने वाला है, दिस फोर्स इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स, और कैपिटल एफ इज इक्वल टू कौन, म्यू इनटू आर, ये उसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहां से आया है वो भी हम आगे के पॉइंट में देख लेंगे कि एफ इक्वल टू म्यू इनटू आर कैसे आता है, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहेंगे, द फोर्स विच अपोजेस टू द मोशन ऑफ बॉडी। बॉडी के मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स है, दिस अपोजिंग फोर्स इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स, उसे इंडिकेट करते हैं एफ से, एफ इक्वल टू म्यू इनटू आर। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा एक्ट होगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग के स्लाइड में भी कि अगर हम फ्रिक्शन को क्लासिफाई करते हैं
तो फ्रिक्शन के मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है डायनामिक फ्रिक्शन। तो पहला जो टाइप है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन का। कि व्हाट इज मीन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, डेफिनेशन इफ द बॉडी एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शनल फोर्स, इफ द बॉडी एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शनल फोर्स एट कहां पे रेस्ट कंडीशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करिए एक्सपीरियंस अगर करिए तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ यहां पर ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ा सा बंदा सो रहा है आराम से। ये आराम से इसलिए एक ही जगह पर सो रहा है क्योंकि इसका जो लोअर पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन और जो नीचे का सरफेस है, सरफेस इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है, इसीलिए आराम से यहाँ पे है। अगर ये सरफेस पॉलिश अगर सरफेस होता और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू अगर जीरो होती तो ये यहां से स्लाइड हो जाता, या तो राइट में चला जाता या फिर लेफ्ट में मूव हो जाता, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये क्या हुआ है, एक ही जगह पर रेस्ट कंडीशन में है। और कोई बॉडी भी, मतलब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है और वो अगर यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स अगर यहां पे एक्सपीरियंस अगर कर रहा है तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो डायग्राम है, ये डायग्राम सेम है, इससे पहले जो हमने डायग्राम देखी वही डायग्राम है कि ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाएगा mg, अपोजिट में कौन आ जाएगा उसके नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R, एक्सटर्नल फोर्स कौन P है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका कहां जाएगा लेफ्ट में चला जाएगा यहां पर। नाउ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द नीट एंड JEE। नीट और JEE के हिसाब से, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये वर्डिंग में आ जाएगा या फिर सिंबॉलिकली भी आ सकता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज डिनोटेड बाय एफ सफिक्स यस शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन एफ सफिक्स कौन आ जाएगा के आ जाएगा। के का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक का मतलब भी मोशन है और डायनामिक का मतलब भी मोशन है, तो यहां पर एफ सफिक्स के आ जाएगा या फिर एफ सफिक्स कौन डी भी आ सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करोगे आप? एफ सफिक्स यस से डिनोट कर दोगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द कौन लॉ ऑफ फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू कौन लॉज ऑफ फ्रिक्शन, एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ही ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर रिमूव कर देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट द म्यू और एफ इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू आर और एफ एस इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू इन टू आर, वेयर म्यू का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड आर इज नथिंग बट द नॉर्मल रिएक्शन विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो कि सरफेस के लिए कैसे है परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हमने देखा कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला F इज इक्वल टू कितना आ जाता है म्यू इन टू आर। अभी R की जो भी वैल्यू है उसके ऊपर से फॉर्मूला हम आगे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर ये बॉडी वर्टिकली मोशन अगर मूव नहीं हो रही है तो हम समेशन ऑफ Fy इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं। समेशन Fy इक्वल टू जीरो मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहां पे। R अपवर्ड जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, mg डाउनवर्ड है इसीलिए माइनस mg इक्वल टू जीरो। तो यहां पे R की वैल्यू निकल कर आ जाएगी R इज इक्वल टू कौन mg। तो Fs इज इक्वल टू, अगर यहां पर अगर हम R की वैल्यू पुट कर देते हैं तो म्यू एज इट इज आ जाएगी और R की वैल्यू जो है वो है mg। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का एक और फॉर्मूला बनता है कि Fs इक्वल टू म्यू इंटू आर और म्यू इंटू एम इंटू जी, लेकिन म्यू इंटू mg ये तभी आएगा जब आपका सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा। अगर इन केस ये सरफेस अगर इंक्लाइन हो जाएगा, ये सरफेस अगर आपका इंक्लाइन हो जाएगा, दिस mg रिप्लेस बाय यहां पर आ जाएगा mg sin थीटा आ जाएगा। दिस रिप्लेस बाय कौन आ जाएगा? mg sin थीटा हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला
टोटली डिपेंड करेगा आर की वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेबल है? आर की वैल्यू पर डिपेंडेबल है। बेसिक फॉर्मूला है एफ एस इक्वल टू म्यू इन टू आर। जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे एफ एस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल है तो म्यू एम जी, और अगर इंक्लाइन है सरफेस, सरफेस अगर कैसे है इंक्लाइन है तो म्यू इन टू एम जी साइन थीटा आ जाएगा। म्यू इन टू कौन? एम जी इन टू साइन थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो नेक्स्ट पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। जैसे कि हमने म्यू लिया ना, तो म्यू की हम डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? मैक्सिमम और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट फॉर अ सरफेस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब अगर बॉडी और सरफेस, बॉडी और सरफेस अगर आप लेते हैं तो बॉडी और सरफेस के लिए जो रेशियो है, किसका रेशियो है? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एफ, दोनों का रेशियो। यहां पर हम डिराइव भी कर सकते हैं उसको। हमारे पास फॉर्मूला था एफ सफिक्स एस इज इक्वल टू म्यू इन टू आर, ठीक है? तो इस आर को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो म्यू का फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय कौन? R आ जाएगा यहां पे। मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन। सो एफ एस डिवाइडेड बाय आर, दिस रेशियो शुड बी कॉन्स्टेंट फॉर पर्टिकुलर सरफेस। अगर एक ही सरफेस है, सरफेस अगर चेंज नहीं हो रहा है तो म्यू की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, म्यू की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहने वाली है। अगर इन केस अगर सरफेस आप चेंज कर रहे हो तो सरफेस चेंज करोगे तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपके पास यहां पे एफ डिवाइडेड बाय आर का। नाउ इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। क्यों कहा है यहां पे? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है यहां पे, फॉर्मूला नोट कर लो रजिस्टर में कि म्यू इज इक्वल टू यहां पे एफ डिवाइडेड बाय कौन? आर है। एफ इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स, इट्स यूनिट इज न्यूटन। आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का यूनिट भी कौन है? न्यूटन है। तो न्यूटन न्यूटन कैंसल, इसका मतलब इट इज अ रेशियो ऑफ टू प्योरली सिमिलर क्वांटिटीज, दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, इसीलिए ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशन के लिए हमारे पास यूनिट मस्ट है, डायमेंशन के लिए हमारे पास यूनिट मस्ट है। नीट और जेई के अंदर एक और क्वेश्चन इससे पहले पूछ चुके हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज हैविंग यूनिट बट नो डायमेंशन। मतलब ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, उसे कहते हैं हम प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। मतलब कौन? रेडियन और दूसरा है स्टेरेडियन। तो इनको यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, वो सेकंड पॉइंट है दूसरा, द वैल्यू ऑफ म्यू, वैल्यू ऑफ कौन? म्यू। म्यू का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डिपेंड ऑन मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेकंड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर और सब पॉइंट भी आने वाले हैं। इसका मतलब है कि म्यू जो है, म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक आप लेने वाले हैं या फिर जो भी बॉडी आप कंसिडर करने वाले हो, उस बॉडी का मटेरियल अगर चेंज होता है तो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि आपके पास मतलब एक रोड है, रोड के ऊपर आपने एक ग्लास का बॉक्स रख दिया है, ग्लास का बॉक्स आपने रख दिया है, ग्लास पीने वाला ग्लास नहीं, टोटल ग्लास का ब्लॉक बॉक्स आपने उसके ऊपर रख दिया है और उसे आप खींचते हुए लेकर जा रहे हो। तो ग्लास का बॉक्स जो है, ठीक है, उस ब्लॉक या फिर बॉक्स उसका जो लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस और रोड का अपर सरफेस, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स मिनिमम जनरेट होगा क्योंकि अपर बॉडी जो है वो अपर बॉडी कैसे है? स्मूथ सरफेस है। अपर बॉडी कैसे है? स्मूथ सरफेस, या फिर हम उसे पॉलिश सरफेस भी कह सकते हैं। मान लो कि ग्लास का बॉक्स निकालकर उसके ऊपर आपको बिठा दिया, उसके ऊपर आपको बिठा दिया और आपके हाथ पकड़कर आपको वैसे ही खींचते लेकर जा रहे हैं, क्या हो जाएगा? वट नहीं, वो फिजिकल जहां जहां डैमेज होगा वो तो हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा?
फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी इज नथिंग बट द रफ सरफेस है। ग्लास इतने स्मूथ सरफेस नहीं है, चाहे आप जितनी भी फेयर एंड लवली लगा लो, स्मूथ सरफेस होने वाला नहीं है, लेकिन रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस की वजह से क्या हो जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ म्यू, किसकी वैल्यू? म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल, किसका मटेरियल? बॉडी का मटेरियल। किसका मटेरियल? बॉडी का मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस, क्योंकि सरफेस हमारे पास दो है, एक है स्मूथ सरफेस और दूसरा है रफ सरफेस। नाउ इसके अंदर सब पॉइंट है, जो पहला सब पॉइंट है वो है ड्राई और वेट, मतलब कि सरफेस अगर आपके पास ड्राई अगर सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम, और अगर वेट सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेन मिनिमम। बारिश के दिनों में हम इधर उधर इसे उसे देखते चलते हैं, देखते देखते हमारा पैर फिसल जाता है, ठीक है, और हम नीचे गिर जाते हैं, बराबर है। जैसे ही हम नीचे गिरते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उठते नहीं है, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमें किसने देखा, इधर उधर देखते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करने वाला है। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कौन? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के वैल्यू से ही हम फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ड्राई अगर है तो म्यू की वैल्यू मैक्सिमम है, म्यू की वैल्यू मैक्सिमम है, और अगर वेट अगर है तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैसे है? मिनिमम है। सेकंड जो पॉइंट है वो है रफ एंड स्मूथ सरफेस। ऑब्वियसली रफ सरफेस है तो म्यू की वैल्यू मैक्सिमम है, स्मूथ सरफेस है तो म्यू की वैल्यू मिनिमम है। एंड लास्ट वन इज अ पॉलिश एंड नॉन पॉलिश। अगेन अगर पॉलिश सरफेस अगर है तो म्यू की वैल्यू मिनिमम है, और अगर नॉन पॉलिश है तो म्यू की वैल्यू कैसे है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां पर हमने डिपेंडेंसी भी चेक कर ली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, नाउ इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच अपोजेस टू द मोशन ऑफ अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन। दिस लिमिटिंग वैल्यू इज नथिंग बट द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मान लो कि आपके पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां पे आपके पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर आपने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्लेस करके रखा है, इसके ऊपर आपने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्लेस करके रखा है। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक पर आपने एक फोर्स एक्ट कर दिया पी, इतना एक एक्सटर्नल फोर्स हमने एक्ट कर दिया, कितना एक्ट कर दिया? पी, इतना फोर्स हमने एक्ट कर दिया। अभी पी की वैल्यू यहां पर हम चेंज करते चलते, मान लो कि आपने 10 न्यूटन पी की वैल्यू एक्ट कर दी, पी इक्वल टू कितना? 10 न्यूटन, लेकिन ब्लॉक फिर भी कैसे है? रेस्ट में है। ब्लॉक फिर भी कैसे है? रेस्ट में है। अगर हम 10 न्यूटन अगर राइट साइड में अगर हम एक्ट करते हैं तो ब्लॉक खुद के मोशन, मतलब खुद को अपोज करेगा। दिस अपोजिंग फोर्स जनरेटेड बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस, इन दोनों के बीच में एक अपोजिंग फोर्स जनरेट होगा। दिस अपोजिंग फोर्स इज नथिंग बट द फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एफ सफिक्स स्मॉल एफ, और उसकी वैल्यू है म्यू इनटू आर। हम डेफिनेशन देख रहे हैं किसकी? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की, कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हम किसे कह सकते हैं। तो P इक्वल टू कितना? 10 न्यूटन लिया, लेकिन ब्लॉक मोशन में है? नहीं है। अगर आपने P इक्वल टू 11 न्यूटन ले लिया, 11 न्यूटन ले लिया, ठीक है, लेकिन ब्लॉक क्या हो गया? मोशन में चला गया। ब्लॉक कैसे हो गया? मोशन में चला गया। मतलब 10 न्यूटन तक ब्लॉक कैसे है? रेस्ट में है। 10 न्यूटन तक ब्लॉक कैसे है? रेस्ट में है। जैसे ही 11 न्यूटन कर दिया तो ब्लॉक कैसे हो गया? मोशन में चला गया। मतलब दिस 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, ये 10 न्यूटन फोर्स पे जो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट द कौन? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी। क्योंकि हमने इससे पहले एक स्टेटमेंट देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन, मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तभी उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होने वाला है। जब बॉडी मोशन में चली जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर ब्लॉक जस्ट मोशन में है, जस्ट है, गया है नहीं, लेकिन जस्ट हम थोड़ी भी वैल्यू अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी भी वैल्यू हम इंक्रीज कर देते हैं, तो ब्लॉक कैसे चला जाएगा? मोशन में चला जाएगा। वो जो लिमिटिंग वैल्यू है, वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर होने वाली फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इज नथिंग बट द लिमिटिंग फ्रिक्शनल
फोर्स हो जाएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड स्टैटिक फोर्स इज इक्वल, हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हम उसे इक्वल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है डायनामिक फ्रिक्शन, दूसरा टाइप। डायनामिक का मतलब है मोशन। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में अगर है और अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करिए तो उसे हम कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। जैसे कि मान लो कि आप चल रहे हो, इसका मतलब है कि आप कैसे हैं, मोशन में हैं विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम कौन, अर्थ। अगर आप अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में या फिर पाथ के या फिर रोड के किसी भी पॉइंट के रेफरेंस फ्रेम में आप कैसे हो, मोशन में हो, तो अगर बॉडी मोशन में है और अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर एक्सपीरियंस करिए तो उसे हम कह सकते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे चल रहा है, मतलब ये क्या है, मोशन में है। मोशन में अगर कोई बॉडी है और अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करिए एक्सपीरियंस करिए तो उसे हम कहेंगे डायनामिक फ्रिक्शन कहेंगे। उसके बाद डायनामिक फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी चेक कर लेते हैं कि डायनामिक फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली जो डिपेंडेंसी है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये डिपेंडेंसी, ये फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर जो भी डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से 50-60% इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं, डिपेंडेंसी आ रही है, जो कंडीशंस आ रही है, ये कंडीशंस 100% नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट डिपेंडेंसी इज नेचर ऑफ सरफेस। पहली डिपेंडेंसी कौन है, नेचर ऑफ सरफेस, मतलब डायनामिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस किस टाइप का है, रफ सरफेस है या फिर स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। दूसरी डिपेंडेंसी है कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन किस टाइप का है। यहां पर अगर हम फ्रिक्शन में मोशन को अगर हम क्लासीफाई कर देते हैं तो यहां पे दो टाइप आ जाएंगे। एक्चुअल मोशन को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो तीन टाइप आते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। ये एक्चुअल मोशन का क्लासिफिकेशन। अगर हम फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रिक्शन के अंदर भी अगर हम डायनामिक फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो मोशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। वन इज अ स्लाइडिंग एंड अनदर इज अ रोलिंग। ठीक है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन में बॉडी या तो स्लाइड होगी या फिर रोल होगी, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं होने वाला, दूसरा कोई मोशन है नहीं। यहां पर 1D 2D 3D ऐसे कुछ है नहीं यहां पे। यहां पर सिंपली बॉडी या तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अगर आप एक्ट कर रहे हो तो बॉडी क्या हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी या फिर रोल हो जाएगी, या फिर पॉसिबिलिटी है कि दोनों भी हो जाएगी। कोई बॉडी स्लाइड हो जाएगी तो कोई बॉडी उसके ऊपर रोल भी हो सकती है। तो डायनामिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ मोशन, किसके ऊपर डिपेंड है, मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी डिपेंडेंसी है कि नॉर्मल रिएक्शन, किसके ऊपर डिपेंड है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंडेबल है। हमने फॉर्मूले में भी देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर मैक्सिमम तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम आती है। नाउ एक लास्ट वाला जो पॉइंट है डायनामिक फ्रिक्शन में, वो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन किसके ऊपर, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब इसका मतलब है कि अगर उसकी वेलोसिटी चाहे जितनी भी हो, मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो, वेलोसिटी चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, डायनामिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। Now, next one is the types of dynamic friction. Dynamic friction के type, जैसे हमने starting में देखा कि dynamic friction can be classified into again two type. Dynamic friction को अगर हम classify करते हैं तो उसके कितने type होते हैं, दो type, एक है sliding friction और दूसरा है rolling friction. तो sliding friction की definition, the friction experienced by body when they are slide over the another body. मतलब अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर अगर स्लाइड हो रही है तो जो बॉडी स्लाइड हो रही है, दिस बॉडी एक्सपीरियंस द फ्रिक्शनल फोर्स, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम कह सकते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यहां पर हम एनिमेशन के साथ भी देख सकते हैं उसे कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। बचपन में आपने खेला होगा ये, ठीक है, गार्डन में होते हैं ज्यादातर। अभी आप बड़े हो गए हो तो आप इसे वाटर पार्क में खेलते हो, ठीक है। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कौन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। आप मतलब कौन, बॉडी हो, नीचे का जो स्लाइडर जो है
वो इज नथिंग बट द कोन, सरफेस हो गया, ठीक है। और एक्चुअली वो स्मूथ होता है, वो कैसे होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या हो रही है, स्लाइड अगर हो रही है, तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटेड बिटवीन बॉडी एंड सरफेस इज नथिंग बट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। उसके बाद है रोलिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन दे रोल ओवर अनदर बॉडी, दे रोल ओवर अनदर बॉडी इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कि ये गाड़ी है, ठीक है, इसके जो व्हील्स है, ये व्हील कंटिन्यू क्या हो रहे, रोल हो रहे। और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, साइकिल से एक्सेट्रा, ये जितने भी व्हीकल्स है, इन टायर और रोड, इन दोनों के बीच में होने वाला जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है, रोलिंग फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे हमने पूरे पॉइंट्स देखे, यहाँ पे बेसिक से लेके अब तक के सारे पॉइंट देख लिए हमने, क्या क्या देख लिया अभी तक। फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। उसके बाद हमने फ्रिक्शन के टाइप्स देखे, फ्रिक्शन के मेन दो टाइप, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहेंगे, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी एट रेस्ट कंडीशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और फ्रिक्शनल फोर्स अगर एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनामिक फ्रिक्शन। उसके बाद दूसरा टाइप था डायनामिक फ्रिक्शन, अगर कोई बॉडी मोशन में है और अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसे हम डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन। उसके बाद हमने डायनामिक फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी देखी कि डायनामिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरी डिपेंडेंसी देखी हमने कि सरफेस कैसा है, पॉलिश है, नॉन पॉलिश है, ड्राई है या फिर वेट सरफेस है, ये भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद रफ सरफेस है या फिर स्मूथ सरफेस है। उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर अगर स्लाइड हो रही है, तो उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर अगर रोल हो रही है, तो उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इन सबके बाद एक और मेन पॉइंट हमने देखा, वो मेन पॉइंट था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब म्यू इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। और हमने म्यू की डिपेंडेंसी भी चेक कर ली है कि म्यू डिपेंड करता है किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक्चुअली म्यू की वैल्यू सरफेस के ऊपर डिपेंड करती है, मैक्सिमम डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, सरफेस के ऊपर। अगर सरफेस रफ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू डिपेंड है, और अगर रफ है तो उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। एक और पॉइंट मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स स्मूथ सरफेस पर, फ्रिक्शनल फोर्स कैपिटल एफ कभी भी जीरो नहीं होता है। कैपिटल एफ जीरो क्यों नहीं होता है, उसका कैलकुलेशन जीरो है, याद रखना हमेशा। जब हम कहते हैं कि ये वैल्यू जीरो है, जब हम कहते हैं कि, जब मैं कह रहा हूं कि स्मूथ सरफेस म्यू इक्वल टू जीरो, तो एफ इक्वल टू जीरो आ रहा है। हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, क्योंकि कैलकुलेशन है, क्योंकि क्या है, कैलकुलेशन से कि एफ इज इक्वल टू, यहां पर देख लो कि एफ सफिक्स एफ इज इक्वल टू म्यू इन टू आर। अगर सरफेस स्मूथ है तो इसका मतलब म्यू इक्वल टू जीरो है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो प्रेजेंट रहने वाली है, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे प्रेजेंट रहने वाली है। मान लो कि आपके पास एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू कितना है, जीरो है। इसके ऊपर आपने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्लेस कर दिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो वेट है, वो वेट एक्ट हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड में mg, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी आपकी कैपिटल r आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने इधर एक्सटर्नल फोर्स p एक्ट कर दिया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका दिस साइड चला जाएगा, इस साइड में। तो यहां पर फॉर्मूला है फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू कौन, म्यू इन टू आर। वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे R बैलेंस इज द mg, R बैलेंस कर रहा है किसे, mg के, mg को, या फिर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इक्विलिब्रियम कंडीशन वहीं पर अप्लाई करेंगे जहां पर मोशन जीरो है, मतलब मोशन नहीं हो रहा है, या फिर मोशन कितना है, जीरो है, ठीक है। फिर वो सिंगल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट हो सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो यहां पर R माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, तो R इक्वल टू कितने हैं, mg है। इसका मतलब कैलकुलेशंस में एक वैल्यू प्रेजेंट है, एक वैल्यू
प्रेजेंट है, लेकिन दूसरी वैल्यू 0 इंटू एम जी इज इक्वल टू 0। ये नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्ट एफ को 0, नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एफ को डायरेक्ट 0 नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू 0 है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स का कैलकुलेशन 0 आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एफ और अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब कौन? एक्सटर्नल फोर्स। इन दोनों का हमने रिलेशन लिया है एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो ग्राफ एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ग्राफ है, ग्राफ में क्या क्या पॉइंट है। इससे पहले मैंने जितना एक्सप्लेन किया उन सब का यहां पे सब डिस्कशन आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब कौन? एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस जिसके ऊपर हमने अप्लाइड फोर्स लिया है। अप्लाइड फोर्स मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है वो फोर्स लिया है। वर्टिकल एक्सिस मतलब कौन? वाई एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मतलब कौन? वाई एक्सिस। इसके ऊपर हमने फ्रिक्शनल फोर्स लिया है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन Fs इज ऑलवेज ग्रेटर देन कौन? काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। FD भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायनामिक फ्रिक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। वन इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन Fs एंड अनदर इज अ रोलिंग फ्रिक्शन कौन? Fr। यहां पे S नहीं, यहां पर S लिया है, यहां पर S लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे सिंपली स्लाइडिंग लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इन सबसे कैसा है? मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन कब तक इंक्रीज होगा? जब तक बॉडी मोशन में नहीं जाती तब तक। मतलब जस्ट पॉइंट ऑफ मोशन, और वो जो वैल्यू है जस्ट पॉइंट ऑफ मोशन की उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तक, कहां तक? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स तक फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन कब तक होती है? जब तक बॉडी जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक। जब तक बॉडी कैसे है? रेस्ट में है तब तक, या फिर कब तक? जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन। जब तक बॉडी यहां तक है, इस लिमिटिंग वैल्यू तक है, वहां तक F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। और हमने देखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है स्ट्रेट लाइन। मतलब ग्राफ अगर यहां O से अगर चालू हो रहा है, यहां O से ग्राफ क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है यहां पर, तो O से लेके A तक लाइन कैसे है? स्ट्रेट लाइन है। तो O से लेके A तक कौन है? Fs है। Fs मतलब कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। और अगर बॉडी एक बार मोशन में चली गई तो कौन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन इज लेस देन कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा? जस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और बाद में कांस्टेंट रह जाएगा यहां तक। तो ये है लिमिटिंग फ्रिक्शनल वैल्यू FL की वैल्यू। और ये जो है ये है यहां पर आपके पास, मतलब B2C जो है, ये B2C कौन है आपके पास? काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हमने यहां पर पॉइंट दिखाया आपको, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको ग्राफ में एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन। एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट द कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कौन? कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन है। यहां पर कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन में पहला पॉइंट है फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द सरफेस, दैट इज टेंजेंशियली। जैसे कहा मैंने कि सरफेस के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो कैसे एक्ट हो रहा है? टेंजेंशियली एक्ट हो रहा है। सेकंड, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग विद अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो सेल्फ एडजस्ट करता है। किसके साथ एडजस्ट करता है? एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के साथ एडजस्ट कर लेता है। जहां तक लिमिटिंग वैल्यू है तब तक फुल्ली अपोज कर लेगा, लेकिन जैसे ही मोशन में अगर बॉडी चली जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कैसे है? सेल्फ एडजस्टिंग है। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये भी हमने देख लिया है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। उसके बाद डिपेंडेंसी है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। मतलब सरफेस रफ सरफेस है या फिर स्मूथ सरफेस है, ये भी हमने देख लिया है। इट इज इनडिपेंडेंट ऑन द एरिया एंड शेप ऑफ द सरफेस। हाँ, ये पॉइंट
न्यू है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन एरिया। इसका मतलब है कि रफ सरफेस के ऊपर आप छोटा सा ब्लॉक रखो, ठीक है, या फिर बड़ा सा ब्लॉक रखो, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, ठीक है, जो भी एरिया इन कॉन्टैक्ट रहने वाला है वो एरिया इन कॉन्टैक्ट के लिए कैसे है, इनडिपेंडेंट है, इनडिपेंडेंट है यहां पे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी लास्ट दो डेफिनेशन बाकी है, एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा है एंगल ऑफ रिपोज की। व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसकी डेफिनेशन, व्हेन द बॉडी इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, बॉडी कहां पर है, व्हेन द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, देन द मैक्सिमम एंगल बिटवीन, देन द कोण, मैक्सिमम एंगल बिटवीन रिजल्टेंट रिएक्शन, कोण, रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर आपने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक प्लेस कर दिया है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो वेट है वो वेट एक्ट हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड कितना, mg, तो नॉर्मल रिएक्शन जाएगी वर्टिकली अपवर्ड r जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स अगर राइट में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीच में से पास हो जाएगा। रिजल्टेंट का एंगल किसका, रिजल्टेंट रिएक्शन किसकी किसकी रिजल्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों का जो रिजल्टेंट है, यस, इस रिजल्टेंट ने नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो भी एंगल किया है, दिस एंगल इज नथिंग बट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज डिनोटेड बाय फाई। किससे डिनोट करोगे, फाई से डिनोट कर दोगे। अभी यहां पर हमने जो फॉर्मूला लिया है, ये फॉर्मूला कैसे लिया है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहां पर tan phi is equal to capital F suffix small f divided by r, ये वैल्यू आई कैसे, ठीक है, ये वर्टिकल रिएक्शन मतलब कौन, r है आपके पास, ये इंक्लाइन है, इंक्लाइन है मतलब ये कौन है आपके पास, रिजल्टेंट, यस है, ये फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास हॉरिजॉन्टल है, यही हॉरिजॉन्टल मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, मतलब ये वैल्यू किसकी है, फ्रिक्शनल फोर्स f की है, तो ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल कैसे कैसे हो गया ये भी एक बार देख लो, ठीक है, ट्रायंगल की वैल्यू कैसे आई है, वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब ये है 90 डिग्री, एक वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये है 90 डिग्री, तो ये होगी हाइपोटेनियस, ये सामने की रिजल्टेंट मतलब कौन, हाइपोटेनियस होगी। आपको फाई चाहिए, कौन चाहिए, फाई चाहिए, इस फाई के लिए आपके पास कौन कौन, आपके पास पता है आपको, आपको आर भी मालूम है, आपको एफ भी है आपके पास और S भी है आपके पास, लेकिन ये S इज नथिंग बट द रिजल्टेंट है, तो इसका मतलब आपके पास ये साइड और ये साइड है, इसका मतलब आपके पास एक एडजेसेंट साइड है और एक अपोजिट साइड है, तो tan का फॉर्मूला आता है tan थीटा या फिर tan phi इज इक्वल टू कौन, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय कौन, एडजेसेंट साइड आ जाएगी। तो यहां पर अपोजिट साइड, phi के अपोजिट कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मतलब F suffix small f डिवाइडेड बाय, एडजेसेंट में कौन है, नॉर्मल रिएक्शन R है, सो tan phi equal to capital F suffix small f divided by r, हमारे पास frictional force का formula है mu into r और division का r as it is, तो r r cancel, इसका मतलब tan phi is equal to कौन बचा, mu, ठीक है, इसका मतलब angle of friction, ठीक है, angle of friction is equal to coefficient of friction। उसके बाद एक और formula है हमारे पास कि इस रिजल्टेंट का अगर हमें वैल्यू चाहिए, इस रिजल्टेंट की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो यहां पे रिजल्टेंट की वैल्यू है S इज इक्वल टू, यहां पे फॉर्मूला है S इज इक्वल टू एम जी इन टू रूट ऑफ यहां पर म्यू स्क्वायर, यहां पर वैल्यू आ जाएगी म्यू स्क्वायर प्लस कौन वन, ये वैल्यू है यहां पर रिजल्टेंट की, ठीक है, एस की वैल्यू है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो लास्ट पॉइंट है एंगल ऑफ रिपोज का। वैसे तो एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अच्छे से और डिटेल में स्टडी कर ही ली है, लेकिन फिर भी यहां पर मैं एक बार आपको रीड आउट कर देता हूं। द एंगल मेड बाय एन इंक्लाइन प्लेन, कौन, द एंगल मेड बाय इंक्लाइन प्लेन विद अ हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हेन द बॉडी प्लेस ऑन इट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन विथ इट्स ओन वेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। सिंपल से याद रखना है आपको कि यहां पर आपके पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस ने इस इंक्लाइन सरफेस के साथ, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस ने इस इंक्लाइन सरफेस के साथ जो भी ये एंगल बनाया है, दिस एंगल अल्फा इज नथिंग बट द कोण, एंगल ऑफ
रिपोज है, और उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है कि टैन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कौन, कैपिटल आर, या फिर टैन अल्फा इज इक्वल टू कौन, म्यू बी है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे एक और स्टेटमेंट निकल कर आता है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ कौन, रिपोज आ जाएगा। नाउ यहां पर हमारा फ्रिक्शन टॉपिक खत्म होता है। फ्रिक्शन टॉपिक बोल सकते हैं या पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा लेक्चर खत्म हो गया है। इसके बाद हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन का।